इस वीडियो में हम आपको कोविड-19 टीकाकरण के बारे में बताएंगे, साथ ही टीकाकरण स्थल की तैयारी के समय जो जो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो भी बताएंगे। कोविड-19 वैक्सीन पूर्व निर्धारित टीकाकरण स्थल पर दी जाएगी, जिसकी जानकारी टीम को दी जाएगी। मेडिकल अफसर इंचार्ज और सुपरवाइजर सुनिश्चित करेंगे कि सत्र स्थल पर कोविड-19 संक्रमण का खतरा ना हो। सभी लाभार्थियों के नाम की लिस्ट की 3 प्रिंटेड कॉपी और बाकी सब लॉजिस्टिक्स कोल्ड चेन पॉइंट इंचार्ज वैक्सीन कैरियर के साथ सत्र स्थल पर भेजेंगे। ये लिस्ट वैक्सीनेटर अफसर, प्रथम वैक्सीनेशन अफसर और द्वितीय वैक्सीनेशन अफसर के साथ साझा की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीकाकरण स्थल एक चुनाव बूथ की तरह ही दिखाई देता है। इस स्थल पर कार्यरत कर्मचारी अलग अलग गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसे टीकाकरण के लिए आए लोगों की पात्रता की जांच करना, स्थल पर भीड़ का प्रबंधन करना, लाभार्थियों का सत्यापन करना, कोविड-19 वैक्सीन लगाना, लाभार्थियों की टीकाकरण में सहायता करना। टीकाकरण स्थल अस्पताल, पीएचसी, स्कूल, पंचायत घर, बारात घर, सामुदायिक भवन, टाउन हॉल जैसी जगहों पर जहां पर्याप्त स्थान हो वहां बनाए जा सकते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए और इस स्थल पर होने वाली बाकी सभी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अगर जरूरत हो तो टेंट इत्यादि लगाकर अस्थायी शेल्टर भी बनाए जा सकते हैं। एक आदर्श टीकाकरण स्थल का लेआउट कुछ इस तरह होना चाहिए। अगर संभव हो तो टीकाकरण बूथ के लिए एक अलग प्रवेश और निकास होना चाहिए। हर टीकाकरण स्थल में 3 कमरे या क्षेत्र होने चाहिए। पहला कमरा प्रतीक्षालय होगा, जहां लाभार्थी टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरे कमरे का उपयोग टीकाकरण कक्ष के रूप में किया जाए, जहां टीकाकरण होगा। और तीसरा कमरा ऑब्जर्वेशन रूम होगा, जहां लाभार्थी टीकाकरण के बाद आधे घंटे तक रुकेंगे। इन सभी कमरों में आदर्श रूप से 2 दरवाजे होने चाहिए, एक प्रवेश और एक निकास के लिए। सुनिश्चित करें कि टीकाकरण स्थल पर लाभार्थी निर्धारित दिशा में चलें, एक दूसरे का रास्ता नहीं काटें। इसके लिए निर्धारित दिशा में तीर के निशान या पैरों के निशान इस तरह से लगाए जा सकते हैं। लोगों के बीच हर समय शारीरिक दूरी बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी पर घेरे बनाएं। टीकाकरण स्थल के कमरे हवादार होने चाहिए, जिसके लिए कमरों की खिड़कियां खुली रखें। टीकाकरण स्थल बनाते समय आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवेश द्वार पर हाथ धोने की सुविधा हो। प्रतीक्षालय और ऑब्जर्वेशन रूम में लाभार्थियों और वैक्सीनेशन ऑफिसर्स के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी पर बैठने की उचित व्यवस्था हो। टीकाकरण कक्ष में एक समय पर केवल एक ही लाभार्थी अंदर जाए। लोगों को कोविड से बचाव की जानकारी देने के लिए पर्याप्त संख्या में सामग्री हो। आइए देखते हैं कि टीकाकरण कक्ष बनाते समय किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। वैक्सीनेटर ऑफिसर व लाभार्थी के बैठने के लिए उचित व्यवस्था के अलावा आपको सुनिश्चित करना है कि ये सभी वस्तुएं टीकाकरण कक्ष में उपलब्ध हों। 4 कंडीशनड आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर और पर्याप्त वैक्सीन। 4 कंडीशनड आइस पैक के साथ एक अतिरिक्त वैक्सीन कैरियर, पर्याप्त संख्या में उपयुक्त सिरिंज, टीकाकरण दल के लिए हैंड सैनिटाइजर और मास्क, वैक्सीन की शीशियों से एल्यूमिनियम सील हटाने के लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर या वायल ओपनर, हब कटर, AEFI या एनाफिलैक्सिस किट, लाल और पीले रंग के बैग, साथ ही म्युनिसिपल वेस्ट इकट्ठा करने के लिए एक बैग, नीले रंग का पंचर प्रूफ कंटेनर, वेस्ट डिस्पोजल बास्केट। टीकाकरण स्थल के भीतर आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रतीक्षालय में भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप ये सब कदम उठाएं। केवल उस दिन के लिए पंजीकृत लाभार्थियों को भीतर आने दें। स्वास्थ्य केंद्र या टीकाकरण स्थल पर हर समय शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करें। यदि टीकाकरण सत्र स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया है तो टीकाकरण कक्ष को वार्ड अथवा ओपीडी से कुछ दूर हटकर बनाएं। संक्षेप में, एक टीकाकरण स्थल पर ये सभी बातें सुनिश्चित करें। बैठने के लिए पर्याप्त जगह,
अगर संभव हो तो दिव्यांग जनों के लिए जरूरी इंतजाम करें। पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण सामग्री, शौचालय की व्यवस्था, इन सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी टीकाकरण स्थल सुचारू रूप से चलें और वैक्सीनेटर और लाभार्थियों को कोविड संक्रमण का खतरा कम से कम हो।